तो भाइयों ये समाजवादी पार्टी है और इसके जो जो भी ये पेज चला रहे हैं, तो इसको देखिए। पहले कुछ दिनों पहले हमने वीडियो डाली थी कि एक कोई पुलिस कर्मचारी था, उसने उसका उसके जो परिवार वालों ने उस गाड़ी पर ठाकुरवाद लिख दिया था। से पुलिस का लोगो लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ठाकुरवाद, THAKURWAD, ठाकुरवाद, तोमर ठाकुरवाद, ठाकुरवाद। हाँ, जब 1947 आया तो ठाकुरों ने ही सभी ज़मीनें अपनी दी। उत्तर प्रदेश में 90% ज़मीनें ठाकुरों के पास थी और अपनी ज़मीनों के ज़मीनें बेच दी ठाकुरों ने, दान कर दी सभी को। तो अब लोगों के पास ज़मीनें आई, तो ज़मीन दान करने के बदले और रियासत दान करने के बदले अगर छोटा सा ठाकुरवाद लिख भी दिया गाड़ी पर, तो क्या प्रॉब्लम आ गई मुझे ये बताओ। तो आज ये उनके वंशजों का अपमान करेंगे जिनके पुरखों ने इस उत्तर प्रदेश की धरती को बनाया। इस उत्तर प्रदेश का नाम ही ठाकुरों के नाम से जाना जाता है। आज ये उनका अपमान करेंगे। इनके पुरखों ने कभी ज़मीन दान नहीं की और जिन ठाकुरों ने ज़मीन दान की, जो उनका ठाकुरवाद का अपमान करेंगे। इनको तो पानी में डूब कर गोते इनको लगने चाहिए कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। इनको तो ठाकुरों के पैर चाटने चाहिए, क्योंकि ठाकुरों ने अपनी ज़मीनें दान की। और ठाकुर किसे कहते हैं? ठाकुर भगवान श्री कृष्णा जी को कहते हैं, और उनके जो क्षत्रिय हैं, वंशज हैं, चाहे वो भगवान श्री राम के वंश सूर्यवंशी हों, चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत हों, यदुवंशी राजपूत हों, जो पाटी जडेजा जादौन चुड़ासमा राजपूत हैं, ये भगवान श्री कृष्णा के वंश हैं। ठाकुर कहते हैं क्षत्रियों को, राजपूतों को, और ये ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा। तो आप बताओ कितने ये गंदे लोग होंगे। ये वीडियो शेयर कर पूरे देश में फैलाओ कि कितने गंदे लोग हैं जो ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्णा जी का अपमान कर रहे हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिनके वजह से ये भारत देश चल रहा है। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन गुलाम के बीजों को, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं इस देश के लिए, उनको जवाब मिल सके कि क्यों ये ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं।